तो सर यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है सर? सर हमारे पास आपको लेडीज जेंट्स हेयर पैच हेयर भी मिल जाएगी आपको एक्सटेंशन की। बहुत ही बढ़िया। तो सर सबसे जरूरी बात, बहुत सारे कस्टमर दिल्ली आ नहीं पाते विजिट करने के लिए, बाहर मंगवाते हैं, तो भाई डिलीवरी की फैसिलिटी अपने पास है? सर बिल्कुल है हमारे पास। हम जैसे सर कोई बंदा पसंद करने के बाद हम उसको कोरियर करा देते हैं। मतलब भारत के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे, इजीली आप डिलीवरी करवा दोगे वर्ल्ड में कहीं भी। तो केयर कैसी कर रहे हैं? ठीक है, पर हमारे पास जो है सारा ह्यूमन हेयर है, 100% ह्यूमन हेयर है। इस पे आप केमिकल हेयर वॉश कंडीशनिंग सब कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कोई सा भी घर है, सब ह्यूमन हेयर है। ये देखिए ये हेयर पेज है, इसके ये सब ह्यूमन हेयर है। इसका कंडीशनिंग वगैरह शैम्पू कुछ भी करिए आप, मतलब प्रॉपर ओरिजिनल हेयर अपने पास मिलने वाले हैं। पट्टी ये फ्रंट लाइन पट्टी होती है सर, ये फ्रंट पे लगती है जिनके यहाँ फोरहेड पे हेयर नहीं होते। जिसका कट सी शेप में आ जाता है फ्रंट से कटवा, जिनके फोरहेड पे हेयर नहीं होते उनको यूज कर सकते हैं। पूरा पैच ना लगवा करके विजिबल होती है इसके अंदर। अरे वाह, ये स्किन विजिबल वाला हेयर पैच है, इसके अंदर स्किन विजिबल होती है, ऐसा लगता है बिल्कुल कि स्कैल्प में से निकल के हेयर पैच आ रहा है। इसकी खासियत है सर, ये मिराज की खासियत है। ये मिराज का कोई सा भी पैच देखेंगे इसके अंदर आपको स्किन विजिबल होगी। और भैया कैसे हो आप? भैया तो भैया अपने स्टोर का क्या नाम है? हमारे स्टोर का नाम है द केएमए सॉल्यूशन। ठीक है सर, एड्रेस की बात करें, एड्रेस क्या पड़ता है हमारा? सर ये हमारा दिल्ली के अंदर बुराड़ी है, बुराड़ी थाने के सामने A1 ब्लॉक है, उस गली के कोने पे ही हेयर सैलून है हमारा। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है सर? सर हमारे पास आपको लेडीज जेंट्स हेयर पैच हेयर भी मिल जाएगी आपको एक्सटेंशन की। बहुत ही बढ़िया। तो सर प्राइसिंग अपने पास कैसी रहती है? देखिए सर जेंट्स के अंदर की बात करें हम तो वहाँ हमारे पास 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 15-20 हजार रुपए हमारे पास होता है पैच। ठीक है, मतलब 2000 से हम स्टार्टिंग अपने पास करते हैं, हाईएस्ट में 20 हजार तक अपना जाता है। जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर सबसे जरूरी बात, बहुत सारे कस्टमर दिल्ली आ नहीं पाते विजिट करने के लिए, बाहर मंगवाते हैं, तो भाई डिलीवरी की फैसिलिटी अपने पास है? सर बिल्कुल है हमारे पास। हम यहाँ से सर कोई बंदा पसंद करने के बाद हम उसको कोरियर करा देते हैं। मतलब भारत के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे, इजीली आप डिलीवरी करवा दोगे वर्ल्ड में कहीं भी। अगर बहुत वाह, हम तो मंगा सकते हैं। ठीक है सर, सर स्टार्ट कहाँ से करने वाले आज की वीडियो में? पहले हम क्या दिखाएंगे? सर हम आपको हेयर पैच दिखाते हैं। ठीक है, कौन सा? देखिए ये हेयर पैच है, ये हमारे पास 2000 रुपए स्टार्ट हो जाता है। 2000 रुपए से सिर्फ? जी ये देख सकते हो। अगर सर एक बार बात करें 2000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 2000 की क्वालिटी अपने पास कैसी रहती है? कि प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही खराब है या वर्थ है? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2000 रुपए के अंदर बिल्कुल ह्यूमन हेयर है। ठीक है, प्राइस वो प्राइस है, सिर्फ हम आपको दे सकते हैं, दे लगाएंगे नहीं, लगाएंगे नहीं। ओके जी, विद फिक्सिंग कराना चाहते हैं तो 3500 रुपए पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब हेयर ये भी अपने जैन में आने वाले हैं जी। अगर हेयर की बात करें तो भैया हेयर बहुत आजकल मार्केट में स्कैम चल रहा है कि मिक्स हेयर रहता है। सर देखिए मिक्स वो निकल जाता है, बहुत लोगों हेयर अपना विग लगा रहे हैं, उनका बाल निकलते निकलते पूरा कम हो जाता है। अपने पास कैसी क्वालिटी है सर? सर देखिए वो थोड़े हल्के पैच होते हैं, निकल जाता है, ये केयर के ऊपर भी डिपेंड करता है क्लाइंट की, तो केयर कैसी कर रहे हैं। ठीक है, पर हमारे पास जो है सारा ह्यूमन हेयर है, 100% ह्यूमन हेयर है। इस पे आप केमिकल हेयर वॉश कंडीशनिंग सब कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कोई सा भी घर है, सब ह्यूमन हेयर है। ये देखिए ये हेयर पेज है, इसके ये सब ह्यूमन हेयर है। इसका कंडीशनिंग वगैरह शैम्पू कुछ भी करिए आप, मतलब प्रॉपर ओरिजिनल हेयर अपने पास मिलने वाले हैं। जी सर, बहुत ही बढ़िया भैया। ये देखिए सर, ये आ रहा। ठीक है जी सर, उसके बाद सर क्या, कौन सी वैरायटी हम दिखाने वाले हैं? सर वैरायटी अपने दिखाने स्टार्ट करते हैं, दिखाइए सर वैरायटी। ये देखिए सर, ये स्ट्रेट हेयर पैच है। ठीक है, ये बोल लाइट हेयर पैच होता है, इसके अंदर फ्रंट लाइन भी होती है, आप देख सकते हैं। इसको फ्रंट लाइन कहते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल लगता है लगने के बाद। इसका वेट कम होता है, स्कैल्प पे बहुत लाइट स्कैल्प वाला हेयर पैच है, ये लगने के बाद ये बिल्कुल लाइट वेट में होता है, नेचुरल लगता है, बिल्कुल नेचुरल लगने वाला है। जी सर, बहुत ही बढ़िया। और देखिए सर ये है Q6। Q6 सर इसकी फ्रंट लाइन होती है, इसे फ्रंट लाइन कहते हैं हम। ठीक है, ये लगने के बाद इसकी मेंटेनेंस है, थोड़ी केयर करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा इसकी लाइफ थोड़ी कम होती है सर, और के पैच के मुकाबले लाइफ कम होती है, पर नेचुरल लगता है बिल्कुल, जैसे स्किन में से निकल रहा हो। अरे आप देख सकते हैं, और बैक साइड पे देखिए ये पॉलीफ्यूज पट्टी है, ये इसी को कवर करके चलती है, फ्रंट से हमारे को नेचुरल आता है, नेचुरल आता है, ये लाइट वेट में भी होता है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर कलर मिल जाते हैं, ब्लैक ब्राउन कलर आपको सभी में मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट क्वालिटी हमारे पास, जैसे देखिए अपोलो का ये हेयर पैच है, अपोलो का। जी सर, ये भी ह्यूमन हेयर के अंदर आता है सारा, ये अपोलो के नाम से आता है। अपोलो की स्टिचिंग देख सकते हैं आप, पूरी फिक्सिंग हुई है, पंचिंग हुआ पैच है, ये स्टिचिंग प्लस पंचिंग ये हुई है, पूरा फिक्स है। इसकी लाइफ जो होती है सर 1-1.5 साल आराम से चलता है ये सर, केयर करने पर डिपेंड करता है क्लाइंट की। ठीक है, केयर कैसे करते हैं और मेथड जो लगाने का है इसका, वो क्लिपिंग पे, टेपिंग पे, ग्लू पे, किसी भी लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। मेथड सब में तीनों ही यूज होंगे, कोई सभी आप पेज लगवाते हैं सर। ठीक है, उसके अलावा सर एक चीज और आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये देखिए पट्टी पट्टी, ये फ्रंट लाइन पट्टी होती है सर, ये फ्रंट पे लगती है जिनके यहाँ फोरहेड पे हेयर नहीं होते, जिसका कट सी शेप में आ जाता है फ्रंट से कटवा, जिनके फोरहेड पे हेयर नहीं होते वो उनको यूज कर सकते हैं पूरा पैच ना लगवा करके। ये इजी टू अप्लाई होता है, एक बार सेट करने के बाद आप उसको टेपिंग या ग्लू पे फिक्स कर सकते हो, तो सही कर सकते हो, कटता भी होगा आगे से सर, ये फिक्स होने के बाद कटिंग होगी सेटिंग होगी बिल्कुल नेचुरल आएगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर टेपिंग वगैरह ग्लू लगा सकते हैं, उसके लगाने के बाद आप देखेंगे फिनिशिंग इसकी बिल्कुल नेचुरल आएगी, कोई पता नहीं सकता कि आपके लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया भैया ठीक है। उसके बाद भी कौन से करने वाले हमारे पास, और लेडीज के अंदर आता है देख सकते हैं पीछे आप, ये लेडीज हेयर विग लगी हुई है इधर भी देख सकते हैं, तो टॉपर विग सब आती है हमारे पास ठीक है, सब अवेलेबल मिल जाता है, एक्सटेंशन भी होती है हमारे पास ठीक है। मतलब एक कुछ और वैरायटी अपने पास दिखा दो, बहुत दुबई मिराज ये सब भी अपने पास है, दुबई मिराज ये है, ये देखिए सर ये दुबई मिराज है हेयर पे ठीक है, इसके अंदर देखिए ये पूरी ना फिनिशिंग देखिए आप, स्किन विजिबल होती है इसके अंदर, ये स्किन विजिबल वाला हेयर पैच है, इसके अंदर स्किन विजिबल होती है, ऐसा लगता है बिल्कुल कि स्कैल्प में से निकल के हेयर पैच है, इसकी खासियत है सर ये मिराज की खासियत है, ये मिराज का कोई सा भी पैच देखेंगे इसके अंदर आपको स्किन विजिबल होगी, आप कहीं से भी निकालेंगे तो बिल्कुल नेचुरल दिखेगा, कोई कैच नहीं कर पाएगा आपको कि आपके ये लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया मतलब क्वालिटी बिल्कुल। आप इसके अंदर देखिए मैट होती है सर जो हमारा स्वेडिंग वगैरह ऑब्जर्व कर लेती है, तो इजी होता है लगाना, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, परेशानी नहीं आती किसी भी तरह की, और जेन्युइन प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं इसको लगाने अप्लाई करने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो हम अप्लाई करते हैं यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्कैल्प होता है ठीक है भैया। तो कुछ और वैरायटी में दिखा दो अपनी, जी सर देखिए वैरायटी सर मेरे पास बहुत सारी है, 50 तरह की वैरायटी है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ के बारे में बताया जो अपने खास खास जो टॉप सेलिंग आपके सामने है वो दिखा दो। ये अपोलो का ये पीस है सर, ये अपोलो के नाम से आता है, ये ओमी गोल्ड के नाम से है सर, आप देख सकते हैं ये ए के ब्लैक के नाम से है सर, ये क्या नाम है आर्यन हेयर के नाम से है, SS हेयर है, अपोलो है, BMW है, मिराज है, बहुत सारे हेयर पैच है सर हमारे पास, मतलब ऑल टोटल वैरायटी अपने पास देखने को मिलती है। तर ये सब तो हमने वैरायटी दिखा दी, इसके साथ प्रोडक्ट भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी क्वालिटी का यूज हो रहा है, वरना वो आगे जाकर प्रॉब्लम होता है, तो अपने पास सर कौन सी क्वालिटी का है बताया था आपको सर, देखिए ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं ठीक है, ये येलो टेप के नाम से आता है, आप इसको हम स्कैल्प पे यूज करते हैं, छोटा साइज ये है हमारे पास ठीक है, ये आती है नो शाइन टेप के नाम से, ये दोनों नो शाइन ही है, इनकी पावर का फर्क पड़ता है, इसकी पावर थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, कोई लाइट में मांगता तो वो ये रेड वाली ले सकता है ठीक है, पावर इनकी सेम है पर ये साइज का फर्क है, साइज का फर्क है इसमें कम है ठीक है सर। दूसरी मेन चीज प्रोडक्ट जिनसे कवर करते हैं हम पूरा स्कैल्प का, हार्म ना हो कुछ भी किसी हाँ, भी का सबसे जरूरी बात वही है, ये सर देखिए बिफोर यूज करने से पहले हम इसको स्कैल्प प्रोटेक्टर के नाम से ये प्रोडक्ट आता है जिसको हम स्कैल्प पे यूज करते हैं ठीक है, जो हमारे स्कैल्प को इचिंग वगैरह हीटिंग से प्रोटेक्ट करता है सर। देखिए लगने के बाद जो आता है हेयर रिमूवर वो ये देखिए C22 हेयर रिमूवर आता है कोकर का, ये ग्लू को रिमूव करने के काम आता है, और ये सबसे मेन चीज सर इसको फिक्स करके रखता है, होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ये अल्ट्रा होल्ड का ग्लू है, USA ब्रांड है ठीक है, ये लोकल नहीं है, USA ब्रांड है, इसकी पावर जो है 20 से 30 दिन आराम से रहती है, होल्ड रहती है, ये हम यूज करते हैं ब्रांडेड, बहुत ही बढ़िया। और दूसरी चीज ये कोई बंदा 20 से 30 दिन नहीं रखना चाहता, 15-20 दिन में सर्विस चाहता तो वो इन ब्रांडों को यूज कर सकता है, लेस होल्ड, इनकी पावर 15-20 दिन होती है सर ठीक है, इसकी पावर कम होती है अल्ट्रा होल्ड के मुकाबले, अच्छा तो आप घर बैठे से इजी कट लगा सकते हैं इसको भी, ये एक्स्ट्रा होल्ड इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा होती है इससे, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत सारे प्रोडक्ट है जो यूज करते हैं, एक आता है क्लिप मेथड सर, मैं बता रहा क्लिप जिसमें जो बंदा क्लिप ग्लू नहीं लगाना चाहता वो क्लिप लगा करके इसको अप्लाई कर सकता है, अपने हेड पे यूज कर सकता है इसको, क्लिप डेली आप रिमूव कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो।